बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वेलकम एवरीबॉडी टू दिस पार्ट 7 ऑफ आवर सीरीज ऑफ गेस्ट लेक्चर्स ऑन एआई एथिक्स। आई एम जुनैद कादिर एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द एहसान लैब एट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। एंड द टॉपिक ऑफ माय लास्ट लेक्चर इज इस्लामिक एथिक्स फॉर एआई। Up till now, we have discussed how AI poses a very significant ethical challenge, and we have covered the various pitfalls involved. And inshallah, in this lecture, we shall be talking about Islamic ethics and how it can be relevant for regulating artificial intelligence. So let me begin by talking of al-akhlaq, which is the concept of ethics. And more specifically, I would like to talk about falsafa-e-akhlaq. So jis tarah philosophically study kiya jata hai ethics ko, to hamare literature mein ek to akhlaq ke upar bahut sara kaam hai, jisme hum Quran-e-Majeed se aur Sunnat se akhlaq ke bare mein baat karte hain ki kaun se अखलाक हमीदा हैं, कौन से अखलाक रजीला हैं। अखलाक हमीदा प्रेज़वर्दी ट्रेट्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए। अखलाक रजीला या मजमूमा वो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो कि पसंद नहीं किए गए, हमें उनको रिमूव करना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह वेस्टर्न ट्रेडिशन में एक अखलाक का फलसफा है, इसी तरह इस्लामिक ट्रेडिशन में भी इसको इस तरह स्टडी किया गया है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोर हारवी साहब की किताब है अखलाक और फलसफा अखलाक। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक्सेप्ट लेके अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। वो अपनी किताब का इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला की तारीफ से। तो वो फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بمحاسن الأخلاق والصلاة والسلام على محمد المبعوث لتكميل مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا وبهدايته إلى معارج الأخلاق। तो इसमें जो मुसन्निफ़ हैं वो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो कि रहमान है रहीम है। अल्लाह ताला की हम्द बयान की जाती है जिसने इंसान की तख्लीक की और उसको उस इंसान को मुज़य्यन किया अच्छे अखलाक के साथ। और फिर सलात व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि मबूस किए गए इस अमर के साथ कि वो मकारिम अल अखलाक की तकमील करें। और फिर उनके उनकी आल पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनके सहाबा पर जिन्होंने हिदायत हासिल की, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदायत लेके आए थे अल्लाह ताला की तरफ से, उन पर वो चले। और मआरिज अल अखलाक, अखलाक की बुलंदियों तक वो पहुँचे। तो हमारा मेयार मुस्लिम्स के लिए जो मेयार है अखलाक का, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और हमारे लिए मेयार है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उनके सहाबा जिन्होंने इसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले किया है। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोर हारवी साहब फरमाते हैं फ़लसफ़ा अखलाक और इल्म अल अखलाक के बारे में कि ये मज़हब और अकल दोनों की निगाह में महमूद और महबूब शय है, इसलिए कदीम और जदीद हर ज़माने में इससे मुतालिक इल्मी ज़खीरे की कभी कमी नहीं रही। तो ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो फिलॉसफी ऑफ एथिक्स सब्जेक्ट है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है कदीम वक्त में भी और जदीद वक्त में भी। इसी तरह आजकल के जो चैलेंजेस हैं वो उससे फ़र्क हैं जैसे पहले होते थे। तो हमें ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस्लामिक
कॉन्सेप्ट्स को और जो मकासद है शरिया को उनके उनको अपने सामने रखें और उसके हिसाब से हम जो है उसमें से हिदायत ढूंढने कि हमें आजकल की टेक्नोलॉजी आजकल के कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ कैसे डील करना है. सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल बी हैविंग थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज टू एलैबोरेट द इस्लामिक वर्ल्ड व्यू. सो द इस्लामिक वर्ल्ड व्यू इज वन दैट कंबाइंस इंटेलेक्ट विद रिवेलेशन एंड इन दिस वे इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द मॉडर्न mind in which revelation has been removed from the public discourse and also it is no longer considered a source of knowledge by many people in the world. So alhamdulillah among the Muslims we still have this tradition that revelation or wahi is a source of such certain knowledge. तो इसमें हम देखते हैं कि इस्लाम जो है वो empirical sources of knowledge को भी एक्सेप्ट करता है और अकल जो है इंटेलेक्ट सेंसेस एक्सटर्नल वर्ल्ड इसके बारे में हम यकीनन नॉलेज हासिल कर सकते हैं पर ये जो नॉलेज होती है वो जन्नी होती है प्रोबेबिलिस्टिक होती है साइंटिफिक होती है लेकिन साइंटिफिक जो लोग फिलॉसफी ऑफ साइंस जानते हैं वो जानते हैं कि साइंस के जरिए हम सर्टन नॉलेज नहीं हासिल कर सकते चूँकि साइंस बाई डेफिनेशन इट मस्ट रिमेन फॉल्सिफाइबल और वो फिर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करता है विद द आइडिया ऑफ सर्टन नॉलेज. इस्लाम के अंदर हम इसको बैलेंस करते हैं विद सोर्स ऑफ सर्टन नॉलेज जो वही की नॉलेज है जो कि अल्लाह ताला जो अपने अंबिया के ऊपर जो इल्म नाजिल फरमाते थे तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है और हम उम्मत मुस्लिमा के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो हिदायत लेके आए जो कुरान मजीद में कोडिफाइड है और जो सुन्नत साबित है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑथेंटिकली रिपोर्टेड है ये सारी हमारे लिए सोर्सेज ऑफ सर्टन नॉलेज हैं. इसके ज़रिए इंसान को पता चलता है कि उसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उसको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए. और अगर हम इन दो सोर्सेस को अलहदा कर दें तो फिर आपका जो इल्म है वो बहुत महदूद रह जाता है. जिस तरह आजकल के जो साइंटिस्ट्स हैं अगर वो सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड से ही लर्न करेंगे तो जैसे मैंने आपको अभी जिक्र आपके साथ किया कि दे विल नेवर रीच द लेवल ऑफ सर्टेनिटी. और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस की डोमेन से बाहर है जैसे कि हमारा जो मौजू भी है एथिक्स के बारे में आप साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर सकते कि दिस थिंग इज बेटर देन द अदर. उसके इसमें आप फिलोसॉफिकली इस तरह के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर सकते हैं यूटिलिटेरियनिज्म कि जी इसको करने का फ़ायदा ज़्यादा होगा लोगों को लेकिन इवेंचुअली इट कैन नेवर सेटल द क्वेश्चन वन वे और द अदर विद सर्टनटी. लेकिन हम इसीलिए दोनों चीज़ों को वही के इल्म को और जो कस्बी इल्म है साइंटिफिक नॉलेज है एम्पिरिकल नॉलेज है उनको कंबाइन करते हैं. और हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल इसके एक बहुत बड़े दाई थे कि हमें दोनों चीज़ों को कंबाइन करना चाहिए अकल और इश्क या साइंटिफिक नॉलेज को और जो प्रोफेटिक नॉलेज है उन दोनों को हम कंबाइन करें. उनका एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि वो इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं तजल्लियात कलीम व मुशाहिदात हकीम यानी कि एक हकीम यानी साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इनकम्प्लीट है जब तक तजल्लियात कलीम ये इस्तियारा है अल्लामा इकबाल का जो कि रेफर कर रहा है डिवाइन नॉलेज जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की जाती है वही के ज़रिए. जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो फिर इंसान की बसीरत मुकम्मल होती है उसका इल्म मुकम्मल होता है वो दुनिया को सही तरह से देखना शुरू करता है उसके ज़िंदगी का मकसद बनता है और वो सही रास्ते पर चल सकता है. सो इन दिस वे we see that in the Islamic tradition, revelation and reason, philosophy
एंड डिवाइन नॉलेज, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और कुरान मजीद खुद कुरान के अंदर अल्लाह ताला दावत देता है कि इंसान जो है अपनी अकल का इस्तेमाल करे। सो वी सी इन सूरह अल-बकरा जिसका हिस्सा है कि अफला ताकिलून, अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करते। तो अकल इस्तेमाल करना एक पसंदीदा शय है, लेकिन अकल अलोन इज नॉट सफिशिएंट। वी मे से दैट रीजन इज लाइक द एबिलिटी टू सी, बट सिंस वन कैन नॉट सी इन डार्कनेस, वी ऑल्सो नीड टू हैव द लाइट ऑफ रेवलेशन। और ये एनालॉजी कुछ उलमा ने इस्तेमाल की कि रेवलेशन इज लाइक द सन और अ लैम्प दैट प्रोवाइड्स लाइट दैट फैसिलिटेट्स सीइंग क्लियरली। साइंस के जरिए भी आप कुछ इल्म को हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो एक तो सर्टन नॉलेज नहीं होगी, और ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, नॉलेज है, वो ज़्यादा कम्प्लीटली अपने फुल इफेक्ट को रीच करते हैं जब हम उसको कंबाइन करते हैं विद रेवलेशन। एंड दिस इज़ नाउ द स्पेशलिटी ऑफ द इस्लामिक ट्रेडिशन, इन दैट स्टिल वी मेंटेन द कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स ऑफ रेवलेशन एंड रीजन। इसके अलावा इस्लामिक ट्रेडिशन इस तरह भी फ़र्क है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला तरगीब देते हैं आखरत की, कि आखरत की खेती के लिए मेहनत करो, असल कामयाबी आखरत की कामयाबी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आखरत पर यकीन नहीं रखते तो उनसे अलहदा हो जाओ, जैसे कि ये सूरत नजम की एक आयत है, بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا। الله تعالى instruct karte hain hame ki we should turn away from whoever turns his back on our message and desires not accept the worldly life। तो जो सिर्फ दुनिया के तालिब होते हैं, दुनिया ही के बारे में सोचते हैं, तो अल्लाह ताला का ये हुक्म है, यहाँ ये जो फेल अम्र इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनसे एराज करो उस शख्स से जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है और वो नहीं चाहता एक्सेप्ट इस दुनिया की जिंदगी। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं इनकी लिमिट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन बस यही इसी दुनिया तक है, और ये लोग जो हैं ये जो है रास्ते से भटक गए, और अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं और जानते हैं कि कौन अपने अल्लाह ताला के रास्ते पे चल रहा है और किसने हिदायत हासिल की है और कौन भटक गया है। तो ये आयत हम बरकत के लिए पढ़ लेते हैं, ذَلِكَ مَبْلَغَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى। That is their sum of knowledge. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of who is guided. So, यहाँ जो इस बात का हासिल ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम आखिरत को अपने जहन में रखें, तो कोई भी एथिकल फ्रेमवर्क जो कि बनाया जाए जिसके अंदर आखिरत को नहीं कैटर फॉर किया गया तो वो इनकम्प्लीट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम एज मुस्लिम्स हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला जो है अल अलीम है, अल हकीम है, और बेशक जो शरीयत के अहकाम हैं इस पर उलमा ने किताबें लिखी हैं कि किस तरह वो हिकमत पर मबनी है, और इसमें जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं वो इमाम अल-गज़ाली की किताब है, किताबें हैं इंक्लूडिंग इहया उलूमुद्दीन, इहया उलूमुद्दीन, और दूसरी किताब है ये शाह वलीउल्लाह अद-दहलवी की हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, तो ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर ये दोनों इमाम
प्रूव करते हैं, शो करते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला की तमाम जो अल्लाह ताला के अवामिर हैं, अल्लाह ताला के अहकाम हैं, उनके पीछे जो है वो हिकमत है और उसमें इंसान की फला है, उसकी रिफा है, उसका उसके लिए सारी वेलफेयर इसी के अंदर है, बोथ एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि इंसान की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, अल्लाह ताला की नॉलेज कंप्लीट है। तो अल्लाह ताला जो इंसान के लिए हमारे लिए जो फैसले किए हैं उसमें हमारे लिए बेहतरी है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है उसको अपनी अकल से जज करना शुरू करे। उसकी वजह यह है कि इंसान की अकल जो है उसकी लिमिट्स हैं। लेकिन उलमा ने इस पर काम किया हुआ है, रैशनली हम समझ सकते हैं इसको, पर इसमें द पॉइंट हियर इज दैट वी शुड नॉट बी जजिंग द विजडम ऑफ शरिया बिकॉज आवर नॉलेज मे बी वोफुली लिमिटेड, और उसकी वजह से हम अपनी कम फहमी की वजह से हो सकता है कि हम उसकी हिकमत ना समझ सकें। इस तरह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अकल जो है वो एक रोल प्ले करती है लेकिन इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। तो अल्लामा फरमाते हैं कि गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चिराग राह है मंजिल नहीं है। तो हम इंटेलेक्ट के ज़रिए फिलोसोफाइज कर सकते हैं, हम उसके ज़रिए कुछ जान सकते हैं अबाउट गुड एंड बैड, लेकिन वो हमेशा सेटल्ड नहीं, वो वाले इश्यूज कभी सेटल नहीं होंगे। और हम जो इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह फिलोसोफर्स ऑफ एथिक्स जो हैं दे नेवर एग्री ऑन वन थिंग, ऑल ऑफ देम विल डिफर। एंड जो भी सबसे ऑड चीज़ें भी जो अगर हम सोचें उसको कोई ना कोई ग्रेट फिलोसोफर उसको बिलीव कर पाता। तो इसलिए हम उनको अपना जो है लीडर नहीं मान के उनको फॉलो कर सकते। हम एज मुस्लिम्स, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा हसन है, हमने उनको फॉलो करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि किस तरह ये जो इस्लामिक आइडियल्स हैं ये कन्फ्लिक्ट करते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, द सिग्नेचर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी दैट वी लिव इन। तो एक चीज़ जो कैरेक्टराइज करती है मॉडर्न सोसाइटी को वो है कि देर इज़ अ राइज ऑफ द वर्शिप ऑफ ह्यूमंस, जिसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है। इसके अंदर सोचा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स आपस में मिलके डिसाइड करेंगे वो चीज़ जो है वो सीक्रेट हो जाएगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। और उसमें बेशक वो ऐसे अहकाम इस किस्म के फैसले किए करें जो कि शरीयत से जो है मुतसादिम हों। तो इसकी वजह से हालांकि ट्रेडिशनल रिलीजन्स जिस तरह क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, इस्लाम और बाकी जो थियस्टिक रिलीजन्स हैं, हालांकि उनके अंदर पिछले 200-300 सालों में कमी हुई है, ख़ास तौर पे जो स्टॉन्च क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, उसके अंदर बहुत कम लोग अब यूरोप में जो है वो रिलीजन में इन इट्स ट्रेडिशनल सेंस बिलीव करते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमनिज्म है दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ न्यू रिलीजन। इसी तरह और भी जो आइडियोलॉजीज हैं वो भी उसी विगर के साथ अब काम कर रही हैं जो एक रोल पहले रिलीजन प्ले किया करता था, जिसके जरिए हम सोशल नॉर्म्स डिसाइड करते थे, जिसके जरिए हम राइट्स एंड रॉन्ग्स को डिसाइड करते थे। तो ये जो किताब है सेपियंस युवाल नोह हरारी की, तो वो इसमें कहते हैं कि थियस्ट रिलीजन्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं ऑन द वर्शिप ऑफ गॉड्स, बट ह्यूमनिस्ट रिलीजन्स वर्शिप ह्यूमैनिटी और मोर करेक्टली होमो सेपियंस। और उसमें ये सोचा जाता है कि द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स इज सैक्रोसैंक्ट, कि हर इंसान जो उसका दिल करे वो कर सके। तो ये लिबरल्स की भी डेफिनेशन है। एक इंसान की यकीनन फ्रीडम इस्लाम भी उसको देता है, लेकिन ये जो वर्चूज भी हैं जिस तरह द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इसको डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज डिफरेंटली डिफाइन करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर फ्रीडम का वो ये है कि अपने नफ्स से हम फ्री हो जाएं, लेकिन जो
मॉडर्न फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान जो है अपने नफ्स को फ्री रेन दे दे कि वो जो मर्जी करे। तो इन अ वे इंसान जो है वो अपने नफ्स की वर्शिप शुरू कर देता है। इसको कुरान मजीद में भी कहा गया कि सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Have you seen the one who takes as his god his own desire? Then would you be responsible for him? Yani ke ye jo ek trend hai ke apne desire ko jo hai apna khuda maan lena, jo desire kahe wo karna, jo nahi kaha wo nahi karna. Jis tarah niche Rousseau ke views likhe hue hain about liberalism ke what I feel to be good is good, what I feel to be bad is bad. To ye jo, this is akin to the worship of humans and this is at odds with the Islamic ideal of tawheed, of hurriya, of freedom. Iske alawa jo modern philosophy hai, characterized by the quote of Bertrand Russell, written in a faded font, jisme wo is tarah ki baat karte hain ki is duniya ka koi maqsad nahi hai. Man is the product of the causes which had no prevision of the end they were achieving, that his origin, his growth, his hopes and his fears, his loves and his beliefs are nothing but the outcome of accidental collection of atoms and so on. Matlab ye isko, is belief ko nihilism kaha jata hai ki duniya mein kisi cheez ka koi maani nahi hai. Lekin Allah Taala Quran Majeed mein kehte hain ki ये जो तखलीक है इंसान की और ये जो इंसान को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इसको आबासन नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि क्या तुम ये समझते हो, ये हिसाब लगाते हो कि अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया आबसन यानी कि यूजलेसली, और क्या हम अल्लाह के पास वापस नहीं जाएंगे? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फतअलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, सो एग्जॉल्टेड इज अल्लाह द सोवरेन द ट्रुथ, देयर इज नो डीटी एक्सेप्ट हिम, Lord of the Noble Throne. तो अल्लाह ताला इस नोशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं कि हमारा मकसद इस दुनिया में जो है वो आबस नहीं है. We have not been created for idle play. अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है और वो है कि अल्लाह ताला की हम इबादत करें. एक और जो सिग्नेचर है मॉडर्न सोसाइटी का, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब मैटर करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ द राइट थिंग टू डू एंड द रॉन्ग थिंग टू डू. जब हम बात करते हैं एथिक्स की तो वी नीड टू सी के कहाँ कहाँ मॉडर्न सोसाइटी डिपार्ट कर रही है फ्रॉम द इस्लामिक आइडियल. तो एक और जो फर्क है वो ये है कि जो मॉडर्न मैन है उसने अपने आप को भुला दिया है और यहाँ हमारा जो मकसद है इस बात के करने का वो ये है कि इंसान का जो कोर है, जो उसका असल है, वो उसका सोल है, उसकी स्पिरिट है, उसकी रूह है, तो ये इंसान ने भुला दिया. उसने ये भुला दिया कि वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है, वो इनफैक्ट जो एक उसका जो सोल है वो उसकी असल असल इंसान की खुद ही वो है. तो अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में फरमाते हैं कि इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग. तो ये जो मॉडर्न इल्म है तो उसके अंदर ये ट्रेजेडी है कि उससे आपको दौलत कमाना आप सीख लेते हैं, आपको पावर मिल जाती है, उससे आप जो है दुनिया के जो डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसमें आप प्लेजर्स को टेस्ट कर सकते हैं, पर उसके ज़रिए इंसान जो है अपने आप को भूल जाता है. और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुरान मजीद की एक आयत जो उनकी खुदी के कॉन्सेप्ट का बेसिस है वो
इसी चीज को रेफर करता है कि अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हशर में, वला तकूनू कल्लजीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ताला हम सबको कमांड कर रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं आप तुम सब लोग उनकी तरह ना हो जाओ जो जिन्होंने अल्लाह को भुलाया। तो जब उन्होंने अल्लाह को भुलाया तो अल्लाह ताला ने उनको अपना आप भुलवा दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग जो हैं ये फासिक लोग हैं। तो पहले इंसान ने अल्लाह को भुलाया और फिर जो अल्लाह को जब नहीं रिकग्नाइज किया तो वो जो गॉड गिफ्टेड और गॉड प्रोवाइडेड इंसान के अंदर रूह है, स्पिरिट है, उससे भी वो गाफिल हो गया। और अब इंसान कहता है कि कोई रूह नहीं है, कोई सोल नहीं है, और वी आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, एंड व्हेन वी डाई दिस इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। सो दिस इज फार फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड व्यू, जहाँ there is an affirmation कि अल्लाह exist करता है, अल्लाह हमारा इलाह है, और हम जो हमारी एक reality है इस दुनिया में, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं लेकिन इस दुनिया से जब हम यहाँ से इंतकाल कर जाएंगे तो एक और ज़िंदगी भी है और उसमें इंसान का फैसला होगा। तो ये एक long lasting view लेना ज़रूरी है अगर हमने इस्लामिक एथिक्स की बुनियाद रखनी है। एक और सिग्नेचर है ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, वो ये है कि आखिरत को बिल्कुल भूल गए। तो ये जो अभी हम आयत पढ़ेंगे उससे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आजकल का कोई एथियस्ट जो है वो कोई कलाम कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ। तो वो लोग फरमाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये नहीं है, बस एक्सेप्ट यही दुनिया है, इस दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते हैं और हम जिंदा होते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें कोई भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता एक्सेप्ट टाइम, और हम पैदा हुए, हम फौत हुए, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई जो है वो बास नहीं है, बास बादल मौत, दोबारा जिंदा खड़ा होना वो नहीं उसमें कोई बिलीव करते ये लोग। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दे डू नॉट हैव नॉलेज, दे आर ओनली अज्यूमिंग, यानी ये जन्नी नॉलेज है और इनके पास कोई यकीनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इंसान को तरगीब भी देते हैं आखिरत की, और ये भी कहते हैं कि आखिरत बेहतर भी है इस दुनिया से और हमेशा रहने वाली भी है। और ये एक नया मैसेज नहीं है, ये एक हमेशा से एंटीक्विटी से जो मैसेज चलता आ रहा है वो यही है। और हज़रत इब्राहिम की सुहफ में और हज़रत मूसा की सुहफ में भी यही मैसेज था कि वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की ज़िंदगी बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ईमान और आमाल सालेहा के साथ अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाएँ, उनके लिए आखिरत की ज़िंदगी बहुत बेहतर है। हम जब एथिक्स को पढ़ें तो हम ये भी सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का क्या मेयार था। तो एक हदीस सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू स्लीप ऑन अ मैट, ही स्टूड अप एंड ही हैड मार्क्स ऑन हिज साइड ड्यू टू द मैट ही हैड स्लेप्ट ऑन। तो उनसे कहा गया कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, शेल वी नॉट मेक अ प्रॉपर बेडिंग फॉर यू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस वर्ल्ड, आई एम ओनली लाइक अ वेफेरर हु अपॉन अ माउंट, कि मैं एक बंदा सफ़र कर रहा है किसी जो सवारी के ऊपर और उसने थोड़ा सा स्टॉप लिया। I am only like a wayfarer upon a mount that stopped to take shade and rest under a tree
एंड देन लीव्स इट बिहाइंड एंड कंटिन्यूज ऑन द जर्नी. तो फिर क्या ये सेंसेबल और रैशनल नहीं है कि हम अपनी एथिक्स के अंदर जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके उसको भी थोड़ा कैटर फॉर करें. हमारी जो कैलकुलेशंस हैं ऑफ द गुड एंड द बैड, इट शुड डेफिनेटली अकाउंट फॉर द रियल डेस्टिनेशन ऑफ मैन. सो जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल एंड सो ऑन, तो उन्होंने इस पे एलैबोरेट डिस्कशन की हुई है कि ऐसे कैलकुलस इसकी बननी चाहिए, प्लेजर्स को मैक्सिमाइज करना है और पेन को मिनिमाइज करना है. पर वो सारा का सारा जो है वो सिर्फ ट्रांजिएंट लाइफ की चीज़ों को अकाउंट फॉर कर सकता है. तो जाहिर है ये अकाउंटिंग जो है ये इनकम्प्लीट है. अल्लाह ताला की नॉलेज जो है वो कम्प्लीट है और वो ना सिर्फ इस दुनिया के ऊपर मुहित है, वो आखिरत की भी नॉलेज उसमें शामिल है. इसलिए वो ज़्यादा उसका हक है कि उस नॉलेज को हम प्रेफर करें या एटलीस्ट वहाँ से जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको इंटीग्रेट करें इनटू आवर एथिकल फ्रेमवर्क्स. सो नाउ वी कम टू द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि जब हम एथिक्स को स्टडी करते हैं तो शरीयत के बहुत सारे अहकाम हैं, पर जब उलमा ने उनको स्टडी किया तो उन्होंने फिगर आउट किया कि एट द कोर ऑफ इट कुछ मकासद हैं शरीयत के, जिसको शरीयत इस्टेब्लिश करना चाहता है. इसको मकासद व शरिया कहते हैं. तो वो हैं पांच चीज़ों की प्रोटेक्शन, उनको सेफ गार्ड करना, उनको प्रमोट करना. और वो है हिफ्ज़ुद्दीन, रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, हिफ्ज़ुन्नफ्स, अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना, हिफ्ज़ुल अक़ल, इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करना, हिफ्ज़ुन नस्ल, लिनिएज को प्रोटेक्ट करना, और हिफ्ज़ुन नसब, तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी, माल की हिफाजत करना. तो ये पांच कोर मकासद हैं इनके प्रोटेक्शन. तो जो अक्सर आप देखेंगे इस्लाम में अहकाम हैं वो इवेंचुअली इससे समहाउ रिलेट करते हैं. और कुछ उलमा ने इसके अंदर एडिशन भी की कि जिस तरह ह्यूमन डिग्निटी को इस्टेब्लिश करना, इन्हांस करना, तो वो चीज़ें भी कुछ उलमा ने इसमें ऐड किया. लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ओपिनियन है वो यही है कि ये पांच जो मकासद शरिया हैं, और इस पर उलमा ने किताबें लिखी. ये जो मकासद का लिटरेचर है जिसमें इमाम शातिबी हैं और इमाम शाहवलीउल्लाह अद-दहलवी हैं, इमाम गजाली हैं, और भी इस तरह के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया. तो हम इस चीज़ को अपने सामने रख के जो प्रिंसिपल्स बेस्ड हम एआई एथिक्स बना सकते हैं, जिसमें हम कंबाइन करें वो चीज़ें जो कन्वेंशनल फ्रेमवर्क्स में आ रही है. पूरी दुनिया में आजकल एआई एथिक्स पर काम हो रहा है, और वो जो सेक्युलर एथिक्स आ रहे हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम एग्री कम्प्लीटली करते हैं, और कुछ उनके अंदर अलबत्ता इन्हांसमेंट्स की ज़रूरत है चूँकि हमारा वर्ल्ड व्यू फ़र्क है, हमारे जो रोल मॉडल्स फ़र्क हैं, और उसको हम लेकर जो हमें एक अपनी जो कोड ऑफ एथिक्स भी बनानी चाहिए. एंड वी शुड एंगेज विद द ग्लोबल कम्युनिटी एंड इन्फॉर्म देम so that the thinking on this topic becomes more diverse and it also becomes more complete. So shariat ka maqsad jo hai wo insaan ki bhalai hai aur wo human welfare hai. In fact agar insaan aur muashra pura ka pura jo hai wo shariat par aa jaye, wahan अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हो, वहाँ इंसाफ हो, तो उससे फिर आप देखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी भी खूबसूरत बन जाएगी. जैसे हयातन तय्यबा अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, साथ ही साथ मुआशरे से जो सोशल एल्स हैं वो दूर हो जाएंगे, जिसमें ये जो सारे चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, थिंग्स लाइक रेसिज्म, थिंग्स लाइक पावर्टी, थिंग्स लाइक ओप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी से ख़त्म हो जाएंगी. तो इमाम इब्न अल क़य्यम
रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, जिसकी ये ट्रांसलेशन है कि वेरीली शरिया इज फाउंडेड अपॉन विजडम एंड वेलफेयर फॉर द सर्वेंट्स इन दिस लाइफ एंड द आफ्टर लाइफ। ये जो अल्लाह के इबाद हैं उनके लिए इसमें खैर ही खैर है। इन इट्स एंटायरिटी इट इज जस्टिस मर्सी बेनिफिट एंड विजडम। एवरी मैटर विच अबैंडन्स जस्टिस फॉर टिरनी, मर्सी फॉर क्रुएल्टी, बेनिफिट फॉर करप्शन and wisdom for foolishness is not a part of the sharia even if it was introduced therein by an interpretation। so shariat jo hai wo insaan ki bhalai ke liye aayi hai, insaan ko ek khoobsurat zindagi dene ke liye aayi hai। to hum iski ek holistic understanding le aur usse phir hum principles based jo application kare aur dekhe ki kis tarah iske zariye hum contribute कर सकते हैं globally so that we can bring welfare to the entire humanity। इसमें Islamic viewpoint के अंदर ये भी आ जाता है कि इंसान के ऊपर एक अमानत है कि वो जो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो कुरान मजीद में सूरतुल अहज़ाब के अंदर एक आयत आती है जिसमें एक अमानत का जिक्र है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो अमानत है ना, इतनी बड़ी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू शरीयत, कि अल्लाह ताला ने इसको जो है हेवेंस को और अर्थ को और माउंटेन्स को जो है इसको ऑफर किया, लेकिन वो घबरा गए और उन्होंने इससे जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन इंसान ने इसको जो है कबूल कर लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, तो वो अपने साथ अनजस्ट भी है, इग्नोरेंट भी है, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी को लेकर इसकी एनॉर्मिटी को नहीं समझ रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे ऊपर एथिकल एक्शन जो है वो लाजम है, कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है हम पर, इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। ह्यूमन बींग्स आर एथिकल बींग्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक व्यू पॉइंट। इसको तकलीफ शरई भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू शरिया, और इंसान को मुकल्लफ भी कहा जाता है। मुकल्लफ का मतलब होता है कि जिस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, समवन हु इज ऑब्लिज्ड टू बी एथिकल एंड लीगली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। तो इंसान चूंकि समझ रखता है, वो सेल्फ अवेयरनेस रखता है, उसके अंदर ये लिमिटेड फ्री विल अल्लाह ताला ने डाला है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता है। इंसान इस तरह नहीं है जैसे कि एक मूजी जानवर हो, कि उस जब एक मूजी जानवर जिस तरह यहाँ शो किया हुआ है कि अ स्कॉर्पियन बाइटिंग अ फ्रॉग, हम नहीं कहेंगे कि ये सिंफुल है। उसकी वजह यह है कि उसकी तो तबीयत ही है, अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है और उस पर इसका सिन नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक कैपेबिलिटी डाली है कि वो जो है सिंक कर सकता है असफलुस्साफिलीन, या वो जो अपने आप को अशरफुल मखलूकात की स्टेज में लेके जा सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एथिकल नॉलेज भी हासिल करें और उसके बाद फिर एथिकल एक्शंस पर भी हम आएँ। सो जैसे हमने पहले पढ़ा कि AI एथिक्स पर काम हो रहा है, डिफरेंट कंपनीज ने अपने कोड ऑफ एथिक्स बना रहे हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलपिंग देयर ओन कोड्स ऑफ एथिक्स। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, दे आर कमिंग अप विद देयर ओन प्रिंसिपल्स। उनमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप भी है, गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन इट। ये जो एक 7-point एथिक्स गाइडलाइन है फॉर ट्रस्टवर्दी AI जो कि EU कमीशन ने दिया, जिसमें ये आइडिया है कि ह्यूमन एजेंसी और ओवरसाइट रहे AI के लिए, टेक्निकल रोबस्टनेस हो, प्राइवेसी हो, डेटा गवर्नेंस के अप्रोप्रिएट मेजर्स हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फेयरनेस हो,
societal and environmental well-being ho, accountability ho, isko there is a need to combine it and enhance it by also looking at the holistic Islamic ethical guidelines in this regard. और उसके जरिए हम इस्लामिक एथिक्स बना सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इंगेज विद द वर्ल्ड इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और उसके अंदर हम उन्हीं से जो एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमें इसके अंदर चीज़ें सारी कुछ बना के देंगे. हमें जरूर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक रोल प्ले करें, लर्निंग के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर, और साथ ही साथ जो उसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी भी करें, और उसके अंदर इस्लामिक एथिक्स का रोल जो है उसको हम क्लियरली उसमें प्ले करें. एंड वी कम अप विद अ वायबल सॉल्यूशन जो कि ना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए जो है इंस्ट्रक्टिव हो और यूजफुल हो, लेकिन वो जो ग्लोबल डिबेट है उसमें भी ऐड करें और कॉन्ट्रीब्यूट करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है. लेट मी नाउ कंक्लूड दिस लेक्चर एंड ऑल्सो दिस कोर्स. तो ये जो हमने पूरा एक सेट ऑफ लेक्चर्स किए उसमें आइडिया ये था कि हम मोटिवेट कर रहे थे कि एआई एथिक्स क्यों ज़रूरी है और इस्लामिक एथिक्स की क्यों रिक्वायरमेंट है फॉर डीलिंग विद एआई. तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इस्लामिक वर्ल्ड व्यू इज डिस्टिंक्टिव एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल सिस्टम. वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग वर्ल्ड व्यू, और इस्लामिक वर्ल्ड व्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है और वो डिपार्ट करता है फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड व्यू इन मेनी वेज. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्क्राइब एंड आर्टिकुलेट आर ओन वैल्यू सिस्टम, और अपने एथिकल सिस्टम पर हम काम करें और फिर उस पर एक्शन पर इंशाल्लाह कोशिश करें. We mentioned that there is a need for scholarship in this space. So, alhamdulillah, hum isme research bhi kar rahe hain. We have recently won a grant from Facebook to work on this, and we are interested in working with people, collaborating with people, and to develop an agenda jo ke drive karega excellence ko is domain mein. तो इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम इस इन सारे लेक्चर्स को देखने में और समझने में सर्व किया, और आई थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में फिर मौका मिला तो आपसे मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.